मैंने दवाइयाँ लिख दी, ये नर्स को भी ना इनका ख्याल रखे और इस पेशेंट के वाइटल्स का खास ख्याल रखना, ठीक है? इन केस अगर पल्स या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता तो डोपामिन मुझसे पूछे बगैर नहीं देनी, ओके? थैंक यू वेरी मच। नर्स, जी ये जो 6 नंबर बेड था उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया जी सर, और उसकी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही है, वो शाम को आएगा जैसे ही 8 बजे देती, ठीक है सर? सर ओके, आपको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैं तानिया। जी जी, आप सेव है मेरे पास। जी आमीन, आपका नंबर सेव है मेरे पास, बताइए खैरियत से फोन किया? जी जी खैरियत है, वो मैंने कहना था आप एड्रेस भेज दीजिए। एड्रेस? किसका एड्रेस? आपके घर की लोकेशन। मेरा एड्रेस? मेरी लोकेशन? क्यों भाई, खैरियत है? मैंने साहिबा छापा तो नहीं पड़वाना मेरे घर? जी जी नहीं, आप भूल रहे हैं शायद। क्या भूल गया? आज हमें आपकी तरफ आना है डिनर के लिए, आंटी ने बुलाया। आंटी ने डिनर पे बुला? ऑफ कोर्स आंटी ने डिनर पे बुलाया। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ लोकेशन। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी, या सी यू। जी खुद हाफिज। छोटू स्पीकिंग। जी भैया जी बोलिए। भैया जी के बच्चे, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने और तेरी अम्मी जी ने? किससे पूछकर बुलाया दानिया जी को डिनर पे? वो भैया जी, वो असल में अम्मी जी को बहुत शौक आ रहा था ना दानिया बीवी से मिलने का। सारे दिन बेचारी अकेले घर पे रहती हैं तो ना। बकवास बंद कर। अम्मी जी का चपचा, सब जानता हूँ क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में। तमाशा बना के रखती है तुम लोगों ने मुझे। हद होती है हर एक बात की। खुद भी समझ ले और अपनी अम्मी जी को भी समझा दे कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले खुद करने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत एहसान आता है तुम लोगों के मेरे पे। नहीं भैया जी प्लीज आप समझे तो। आज तो अगर इज्जत या जान बच गई तो बड़ी बात होगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो छोटू, क्या हो गया है? उनको दावत का पता चल गया, बहुत गुस्सा कर रहे थे। इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है? और अगर कुछ गड़बड़ होगी ना छोटू, ये तुम्हारे ही सारा किया धरा होगा। मैंने तो बस एक मशवरा दिया था अम्मी जी, और आपको भी तो पसंद है दानिया बीवी। छोटू तुम्ही ना तो मुझे आके बताया था कि भैया बड़े हंस हंस के उसके इंटरव्यू देखते हैं, वो बहुत शौक से उसकी तस्वीरें देखते हैं। अरे तो मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैंने तो खुद देखा था अपनी आंखों से उनको तस्वीरें देखते हुए। तो फिर वो क्यों आग बगौला होगा? आप बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाल दे। लेकिन छोटू मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि वो इतनी बड़ी सियासतदान है, इतनी काबिल लड़की हमारे घर आ रही है, और बस दुआ करो इज्जत बची रह जाए हमारी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। चलो देखूं मैं जरा।